हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। आज है आपका 12th सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले दो इम्पोर्टेंट बातें करना चाहूँगी। पहली कि आपका पेपर पोस्टपोन हुआ है, तो ये मत समझिए कि बहुत टाइम है और आराम से पढ़ लेंगे। अभी तो क्या ही है, अभी तो 2-3 महीने हैं, तो बहुत टाइम है। देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे, जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे, अब ऐसे पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जितना हो सके टाइम को यूटिलाइज कीजिए। टाइम एक बार निकल गया तो वापस नहीं आएगा, तो इसलिए आप अपना पूरा टाइम दीजिए पढ़ाई को, पूरी मेहनत कीजिए। ये एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। एग्ज़ाम में बैठ के कन्फ्यूजन नहीं होगा, वरना कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि 1992 में 73rd अमेंडमेंट में था, एग्जाम में बैठ के याद आ रहा है 73 का 93 हो गया है, 1992 का 1973 हो गया है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए अगर आप लगातार बार बार पढ़ेंगे किसी चीज़ को, तभी वो चीज़ आपको एकदम से वहाँ पे क्लिक करेगी, वरना आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहली बात तो यही थी कि आप टाइम वेस्ट मत कीजिए और जितना हो सके पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से चालू रखिए। दूसरी बात, आपसे फीडबैक के लिए पूछना था कि आपको अगर इस सीरीज में किसी फीडबैक की रिक्वायरमेंट है, जो आपको लगता है कि कोई फीडबैक आप दे सकते हैं जो कि इस सीरीज को सुधारने में मदद कर सकता है, या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ बताइए। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि एक तो आपकी मैम वॉल्यूम लो है, वो हम ध्यान रखेंगे, और एक बच्चे ने दूसरे ने कमेंट किया था कि आप एंड में एक क्वेश्चन छोड़ दिया कीजिए ताकि हम उसको आंसर कर सकें, तो वो भी ध्यान रखा गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज इक्वेटर के थ्रू पास करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं युगांडा, सोमालिया, केन्या, गेबोन। इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज इक्वेटर के थ्रू पास करती हैं। चलिए एज यूजुअल जैसे हम करते हैं हमेशा, पहले मैप पर देखते हैं फिर आंसर पर पहुंचते हैं। ये आपको दिख रहा है पूरा वर्ल्ड मैप है, इसमें ये आप देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन जा रही है। आपको देखना है कि इक्वेटर के थ्रू कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो आप पहले तो हमेशा कॉन्टिनेंट वाइज देखिए, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जैसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा था, पहले सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे मेक्सिको और भमास थे, फिर पूरे अफ्रीकन रीजन में, इसमें हमने क्या ट्रिक बनाई थी, मेल और वुमन, और जितना ये चीजें हैं जैसे ट्रिक्स हैं, तो आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में क्लिक नहीं करेंगे, तो ट्रिक्स भी रिवाइज करते रहिए। और एशिया के लिए क्या ट्रिक थी, माई बस टू चाइना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये ट्रिक्स की फुल फॉर्म क्या थी, और अगर इन ट्रिक्स के अलावा आपने किसी और तरीके से भी याद किया है तो भी बताइए कि कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्रीज पास होती है। चलिए ये है अब इक्वेटर। इक्वेटर के थ्रू आप साउथ अमेरिका में देखिए, साउथ अमेरिका में तीन कंट्रीज हैं, कौन कौन सी, कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राजील। कैसे याद करेंगे, इक्वेडोर में तो नाम में खुद ही आता है इक्वेटर, कि इक्वेटर से पास होती होगी, नाम से ही लग जाता है। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से साउथ अमेरिका का, जहाँ से दो कंट्रीज, जहाँ से दो पैरल्स 0 डिग्री इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दोनों पास होते हैं, तो ब्राजील और एक लास्ट कोलंबिया। ठीक है, तो तीन कंट्रीज हो गए, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। अब अफ्रीका, अफ्रीका के थ्रू इक्वेटर किन किन कंट्रीज से पास करता है, तो इसके लिए ट्रिक है एस डी जी सक, एस एस फॉर साउथोम एंड प्रिंसेप, डी फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जी फॉर गेबोन, एस फॉर सोमालिया, यू फॉर युगांडा, सी फॉर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड के फॉर केन्या। ठीक है, तो ये हो गई अफ्रीका के लिए ट्रिक एसडीजी सर। इसमें दो कॉन्गो हैं, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर एशिया में दो तो आइलैंड्स ही हैं, मालदीव्स और किरीबाती, और एक कंट्री है इंडोनेशिया। तो ये आपकी कंट्रीज हो गई जिनके थ्रू इक्वेटर पास करता है। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बताना है इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है। युगांडा हमने देखा, एस डी जी सक, सक में यू वॉज फॉर युगांडा,
तो युगांडा करता है, एस फॉर सोमालिया ये करता है, के फॉर केन्या करता है, जी फॉर गेबोन करता है। तो ऑप्शन कैसे हो गया, डी 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर आईयूसीएन से रिलेटेड विचार कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, वन इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन टू ये 1948 में बनाई गई थी ये संस्था, किस चीज के लिए, प्लांट और एनिमल्स की स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, ग्लोबली पूरे विश्व में प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज को बचाने के लिए इस संस्था को 1948 में बनाया गया था। तो आईयूसीएन के बारे में पहला कथन सही है, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन टू 1948 में इसको बनाया गया था, ये भी सही है। और आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो नाम से पता चल रहा है किस चीज के लिए इंटरनेशनल यूनियन बनी है, नेचर को कंजर्व करने के लिए। और नेचर किस चीज से बनता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से। तो 1948 में बनाई गई थी किस चीज के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज के लिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो आंसर क्या हो गया, सी बोथ 1 एंड 2। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आईयूसीएन अपनी एक रेड लिस्ट निकालता है, ये रेड लिस्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो इस रेड लिस्ट में आ सकती हैं, और ये रेड लिस्ट साल में कितनी बार निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लॉन्च किया गया था, जिस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। ऑप्शन टू इसका जो एम था वो क्या था, कि ब्रिटिश से तुरंत आजादी चाहिए। ऑप्शन थ्री गांधी जी ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शन निकाले थे वो ये कहते थे कि सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपनी अपनी जॉब से रिजाइन कर दें। आपको बताना है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। जो चलिए पहले एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में गांधी जी ने कॉल किया था। क्यों कॉल किया था, आपको पता है ये 1939 से लेके 45 तक वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी, और वर्ल्ड वॉर टू किस किस के बीच में थी, ब्रिटिश लड़ रही थी, ब्रिटेन लड़ रही थी, अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स आपस में लड़ रहे थे। और ब्रिटेन किससे लड़ रही थी, फासिस्ट रेजाइम से, जापान, जर्मनी, ये इनकी जो मेन पावर्स थी जो अगेंस्ट थी, इटली, फासिस्ट रेजाइम जहां जहां था। तो जब ये वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1942 में, कुछ ऐसा हुआ कि ब्रिटेन ऑलमोस्ट हारने लगी और जापान टुवर्ड्स म्यांमार बढ़ने लगी। जापान जब म्यांमार की तरफ बढ़ने लगी तो गांधी जी को खतरा लगा। गांधी जी ने सोचा कि अरे ऐसा ना हो कहीं कि ब्रिटेन जाए और वो नहीं कहते हैं आसमान से टपके खजूर पेट के, ये ब्रिटेन जाए और इसकी जगह जापान आ जाए, ये तो और बुरी पड़ेगी क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी इतना डिक्टेटरशिप चलती है। तो गांधी जी ने कहा कि भैया अब तो तुरंत के तुरंत आजादी चाहिए, अब बिल्कुल वेट नहीं करना है, अब बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है। तो गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई, और क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। क्या शर्तें रखी, कि तुरंत के तुरंत ब्रिटिश रूल से आजादी चाहिए क्योंकि हमें वर्ल्ड वॉर टू की किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं पड़ना है। और उसने उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुरंत आप फ्री इंडिया के लिए कमिटमेंट कीजिए। क्यों क्यों, क्योंकि हम अपने आप को किसी भी तरीके के इंपीरियलिज्म और फैसिज्म दोनों से बचाना चाहते हैं। इंपीरियलिज्म मतलब जो ब्रिटेन ने कर रखा था, अपनी कॉलोनीज बना रखी थी जिसमें एक कॉलोनी इंडिया भी थी, तो इंपीरियलिज्म के भी हम अगेंस्ट हैं, उससे भी हमें बचना है, और फैसिज्म डिक्टेटरशिप से भी हमें बचना है। उन्होंने और क्या रेजोल्यूशन लिया कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी इंडिया में ब्रिटिश के विद्रॉल के बाद, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लॉन्च करना है। और उनके इंस्ट्रक्शंस क्या थे, अलग अलग सेक्शंस जो पब्लिक में थे उनके लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किसी को भी इसमें ये नहीं कहा है कि आप जहां हैं वहां से हट जाइए, उन्होंने ये कहा है आप जहां हैं वहीं पर रहिए, बस ब्रिटिशर्स का साथ मत दीजिए, आप अपनी जितनी भी लॉयल्टी है वो आईएनसी या जो देश के प्रो काम कर रहे हैं उनको दीजिए, ब्रिटिशर्स को मत दीजिए। तो
तो ऐसे ही उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी कहा कि जहां जहां आईएनसी है पावर में, आप आईएनसी को अपनी लॉयल्टी प्रोक्लेम कीजिए, रिजाइन मत कीजिए, बट ब्रिटिशर्स का साथ मत दीजिए। सोल्जर्स के लिए भी यही कहा कि आप आर्मी में रहिए, लेकिन जो आपके देश के लिए लड़ रहे हैं, देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर फायर मत कीजिए। पीजेंट्स को कहा कि जो लैंडलॉर्ड्स और जमींदार एंटी गवर्नमेंट है उनको आप रेंट दीजिए, लेकिन जो प्रो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की साथ देते हैं, उनको रेंट मत दीजिए। स्टूडेंट से कहा अगर वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी जिंदगी चल जाएगी, आगे वो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, तो वो स्टडीज को लीव कर दें तुरंत के तुरंत। प्रिंसेस को कहा कि वो लोगों को सपोर्ट करें, और जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे उनको कहा कि अगर रूलर उनके एंटी गवर्नमेंट है तो उनको सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज आप और अपने आप को इंडियन नेशन को, इंडियन नेशन के अंदर डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है, कि आप इंडिया के अंदर जाना चाहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन वन, इट वॉज लॉन्च एट मुंबई ग्वालिया टैंक मैदान, जो कि अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। सही, अगस्त क्रांति मैदान तो आपको पता ही, इसका नाम ही क्विट इंडिया मूवमेंट है। मतलब इट एम्ड एट एन इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, बिल्कुल सही, ये एम करता था कि तुरंत के तुरंत छोड़ो इंडिया को, आजादी दो। गांधी जी इंस्ट्रक्शन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाज टू रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जॉब से रिजाइन कर दो, उन्होंने कहा था जॉब में रहो बट अपना अलायंस, अपनी लॉयल्टी ब्रिटिशर्स को मत दिखाओ बट आईएनसी को दिखाओ। तो ये ऑप्शन गलत, सही ऑप्शन बी 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, स्टेट फाइनेंस कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि गैर संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन टू, इसको हर 5 साल में बनाया जाता है, क्यों? पंचायत की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको रिव्यू करने के लिए और उससे संबंधित गवर्नर को रिकमेंडेशंस बताने के लिए। तो आपको बताना है फाइनेंस कमीशन के बारे में, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में, इनमें से कौन कौन से कथन सही है। पहले स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में एक बार देख लेते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन किस किस उससे बनाए गए थे? 73rd और 74th, दो से हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 73rd से पंचायत बने थे और 74th से म्यूनसिपैलिटीज बने थे, और दोनों ही इंडिया में 3 टीयर गवर्नमेंट को लाते हैं। पहले टीयर में सेंटर, उसके बाद स्टेट, और उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि म्यूनसिपैलिटीज अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में पंचायत हो गई। तो जो 243 आए है पंचायत के अंदर, ये फाइनेंस कमीशन की बात करता है। आप नाम में देखिए फाइनेंस आई आई, फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है 243 आई, और ये क्या कहता है कि हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाई जाए। ऐसे ही 243 वाई, 243 वाई भी फाइनेंस कमीशन की बात करता है। 243 आई पंचायत के लिए फाइनेंस कमीशन बना की बात करता है, और 243 वाई म्यूनसिपैलिटीज के लिए फाइनेंस कमीशन की बात करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरह। और दोनों का मतलब एक ही स्टेट फाइनेंस कमीशन है जो म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करेगी और गवर्नर को रिकमेंडेशंस देगी। हर 5 साल में ये स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी, और इसका काम क्या है? पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करना और गवर्नर को रिकमेंडेशंस भेजना। अब देखिए, इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक संस्था कैसे कहेंगे जो कि संविधान में लिखी ना हो, पर ये तो संविधान में दो जगह लिखी हुई है, 243 आई में भी इसका मेंशन है और 243 वाई में भी इसका मेंशन है, तो ये गैर संवैधानिक तो नहीं है, तो ये गलत। इट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में इसका गठन होना चाहिए, क्यों? फाइनेंशियल कमीशन ऑफ पंचायत को रिव्यू करने के लिए और उसके हिसाब से गवर्नर को रिकमेंडेशन देने के लिए। सही, सही ऑप्शन हो गया बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है इनमें से कोल्ड करंट कौन सा नहीं है, मतलब कि कौन सा वार्म करंट है। आपके ऑप्शन हैं हम्बोल्ट, अगुलास, ओयशियो या फिर कैनरी। तो इसके लिए आप पहले तो ये वर्ल्ड मैप देखिए, इसमें कुछ करंट्स दिए हुए हैं, सारी करंट्स दिए हुए हैं, ब्लू है जो कि कोल्ड है और रेड है जो कि हॉट है। तो ब्लू, अभी हमें कोल्ड करंट्स देखने हैं तो ब्लू वालों पर ध्यान देते हैं। इसके लिए ट्रिक है हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा, ये सारे के सारे कोल्ड करेंट्स हैं, और इनको छोड़ के अगर कोई ऑप्शन आए तो वो ऑटोमेटिकली वॉर्म करेंट हो गया। तो हम मतलब हम बोल्ट या फिर पेरुबियन करेंट या फिर हम बोल्ट,
तो ये हम्बोल्ट, मतलब हम्बोल्ट, ये रहा पेरुवियन करेंट, ले लैब्राडोर, ग्रीन ग्रीनलैंड करंट, बेंगुला, ये बेंगुला करंट, ये यहाँ पे दिख जाएगा आपको बेंगुला करंट, ये रहा आपका ग्रीनलैंड करंट। उसके बाद क्यू, क्यू मतलब कुरिल या फिर ओयोशियो, ये रहा आपको जापान के पास दिख जाएगा ओयोशियो। केला, केला मतलब कैनरी, ये आपको यहाँ पे कैनरी दिख जाएगा। उसके बाद फेक, फॉकलैंड, फॉकलैंड दिख जाएगा आपको, इस मैप में नहीं बना हुआ है, यहाँ पे आपको ये है फॉकलैंड करेंट। तो ये सारे करेंट्स आपके कोल्ड करेंट्स हैं। तो चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं। हम्बोल्ट करेंट कोल्ड करेंट है, अग्दुलाज हमने नहीं पढ़ा अभी, ओयोशियो हमने पढ़ा, ये भी कुरिल ओयोशियो था, ये भी कोल्ड करेंट है, और कैनरी भी कोल्ड करेंट है। तो अगुलास नहीं दिया हुआ है इसमें, यानी कि ये वार्म करंट है। सही हो गया ऑप्शन, ऑप्शन बी, इट इज नॉट अ कोल्ड करंट, अगुलास। ये देखिए ये आपको दिख भी जाएगा, ये रहा अगुलास, वार्म करंट रेड कलर में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है पॉक्सो एक्ट 2019 के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन वन, ये एक्ट इट सीक्स टू एनहेंस पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन विद अ प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी। मतलब अब तक जो भी ऑफेंसेस होते थे चिल्ड्रन के अगेंस्ट, जो बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस होते थे, उनमें डेथ पेनल्टी की प्रावधान नहीं था, उसमें वो प्रावधान लाने के लिए इस पॉक्सो एक्ट 2019 में, मतलब जो पॉक्सो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट करके पॉक्सो एक्ट 2019 लाया गया। ऑप्शन टू, ये एक्ट क्रिटिकल है क्योंकि ये क्लियरली चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन करता है और उसको पनिशेबल बनाता है। आपको बताना है पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019 में के बारे में इसमें से कौन से कथन सही है। पहले समझ लेते हैं एक बार पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019 को। ये अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद होगा निर्भया केस में आपको पता होगा एक बंदा जो कि माइनर था, जो कि इन्वॉल्व था, लेकिन सिर्फ इसलिए छूट गया, सिर्फ 3 साल एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में गुजार के, क्योंकि वो एक माइनर था। तो इसलिए इस सेक्सुअल ऑफेंसेस को एक पनिशेबल ऑफेंस, ताकि डेथ पेनल्टी मिल पाए बच्चों को, छोटे लोग बच्चों पर भी जो कि 18 साल से छोटे हैं उनको भी, इसके लिए एक ऐसा अमेंडमेंट एक्ट लाना बहुत जरूरी था, ताकि लोगों में कुछ तो डर बने, जो माइनर्स ऐसी हरकतें कर रहे हैं एटलीस्ट उनको कुछ डर लगे। तो इसी इसी के चलते ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया पॉक्सो में। उसके अकॉर्डिंग क्या प्रावधान किए गए कि अगर 16 साल से छोटा बच्चा है जो कि ऐसे किसी भी सेक्सुअल एक्ट असॉल्ट में इन्वॉल्व है, तो उसको भी 20 साल तक की सजा हो सकती है, और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब पूरे जीवन भर के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट के लिए भी सजा मिल सकती है इसके अंतर्गत। और अगर उस 16 साल के बच्चे ने एग्रेवेटिव पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट मतलब कि ऐसा असॉल्ट जो कि किसी पब्लिक पर्सन के द्वारा किया गया हो, या किसी पुलिस फोर्स के द्वारा किया गया हो, या फिर किसी आर्मी के बंदे के द्वारा किया गया हो, या फिर रिलेटिव के द्वारा किया गया हो, तो ऐसे ऑफेंस को एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। तो ऐसे सेक्सुअल ऑफेंस के केस में मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, और सजा मिनिमम सजा 10 साल है, 10 से 20 साल तक हो सकती है। और इस अमेंडमेंट एक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी पनिशेबल बनाया, और पहली बार चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन डिफाइन किया कि क्या चीज है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, किस चीज को मानेंगे, और उसके लिए 5 साल तक की सजा निर्धारित करी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में अगर कोई बंदा विलुप्त पाया गया, तो विलुप्त नहीं लुप्त, और अगर ऐसे दोबारा इसी चाइल्ड, मतलब मान लीजिए 5 साल की सजा हो गई और उसके बाद फिर से दोबारा ये ऐसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी में पाया गया लिप्त, तो उसे 7 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, एक्ट सीक्स टू एनहेंस पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन विद अ प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी, सही, डेथ पेनल्टी भी देता है ये। ऑप्शन टू, एक्ट इज क्रिटिकल बिकॉज इट क्लियरली डिफाइंस चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड मेक्स इट पनिशेबल, सही, सही ऑप्शन क्या हो गया, सी, बोथ वन एंड टू। क्वेश्चन 7, आपको बताना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इनमें से कौन कौन सी
क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में कल्टीवेट की जा सकती हैं लीगली। आपके ऑप्शंस हैं जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, या फिर कॉटन, या फिर बीटी ब्रिंजल। इनमें से कौन कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में लीगली कल्टीवेट किए जा सकते हैं? सही ऑप्शन है सिर्फ बीटी कॉटन है अब तक जिसको लीगली वो मिली हुई है कि ये लीगली उगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए टू ओनली इज करेक्ट। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं? जिनके जीन्स को, जिनके डीएनए को मॉडिफाई कर दिया जाए। क्यों? जनरली ये किया जाता है कोई नई ट्रेट को, कोई नए फीचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए उस क्रॉप के अंदर। वो चीज क्या हो सकती है कि क्रॉप रेजिस्टेंट हो किसी पर्टिकुलर कीड़े मकोड़े के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो, पेस्ट के अगेंस्ट, या किसी डिजीज के अगेंस्ट, या मान लीजिए ठंड में रह सके, बारिश में रह सके, तो इसकी रेजिस्टेंस बना सके। तो इसके लिए किसी क्रॉप को मॉडिफाई किया जाता है। और एज ऑफ नाउ अब तक सिर्फ बीटी कॉटन ही लीगली इंडिया में कल्टीवेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है इनमें से कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था? ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को सब कहा जाता है सबसे पढ़ा लिखा पर सबसे मूर्ख शासक। इसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से पूरी आर्मी ने बहुत सफर किया इसकी। और जब ये मरा तो कई ऑथर्स ने कहा कि मतलब राजा राजा ने प्रजा को मुक्त कर दिया और प्रजा अपनी राजा से मुक्त हो गई। तो सही ऑप्शन है सी मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने की सोची थी और किया भी था। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है इनमें से किताबुल रहला किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है मिनहाजुस सिराज, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी। इनमें से किसने किताबुल रहला लिखी? सही ऑप्शन है इब्ने बतूता, बगल में जूता। ये कैसे याद करेंगे? ये देखिए किताब के अंदर आपको कहीं इब्ने बतूता दिख रहा होगा, किताब इब्ने बतूता, या फिर आप पूरा ही देख लीजिए, ये पूरा बैट और टैब ये दोनों ऑपोजिट हैं और ये इसके अंदर है, तो कैसे भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है इनमें से कौन से रूलर ने फेमस शिव टेम्पल जो कि एलोरा में है, रॉकेट टेम्पल, उसको बनाया था? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णावन, राजा राजा, राजेंद्रवन, या फिर कृष्णा टू। सही ऑप्शन है ए कृष्णावन। शिवा टेम्पल एलोरा में है। एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र। एलोरा में कौन कौन से रिलीजन के टेम्पल्स पाए जाते हैं? या आप चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि तीनों रिलीजन्स के पाए जाते हैं, या फिर हिंदू के पाए जाते हैं, या फिर बुद्धिस्ट के पाए जाते हैं, या फिर सिर्फ जैन के पाए जाते हैं। चलिए इससे आपको क्वेश्चन में ही एक आंसर हिंट तो मिल ही रही है कि शिवा का टेम्पल है, तो यानी कि ब्राह्मणिकल तो पाए जाते हैं, मतलब हिंदूज के तो पाए जाते हैं। अब आप ये बताइए कि बुद्धिस्ट और जैन के भी टेम्पल्स पाए जाते हैं या नहीं? ये क्वेश्चन है आपके लिए सॉल्व करने के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि एलोरा में और कौन कौन से रिलीजन के टेम्पल्स पाए जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल कौन सा है एलोरा में, और एलोरा एक यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट है या नहीं? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका ये कृष्णा वन ने ये शिव टेम्पल बनाया था। और कैसे याद करेंगे? एलोरा एलोरा सिंगल एक रॉकट टेम्पल है। रॉकट टेम्पल मतलब रॉक को कार्व करके बनाया गया है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पत्थर को कूट कूट के बनाया गया है एलोरा टेम्पल, और कूट के तो राष्ट्रकूट रूलर ने कूट कूट के इसको बनाया है। और कौन सा राष्ट्रकूट रूलर था? कृष्णा वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, रामसर कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन वन, इसे 1971 में ईरान की सिटी एक रामसर में बनाया गया था, साइन किया गया था। क्यों? ताकि जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व किया जा सके। ऑप्शन टू, करंटली इसके रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड आता है उसमें सिर्फ दो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया मेंशन है। आपको बताना है रामसर कन्वेंशन के बारे में इनमें से कौन कौन से कथन सही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, क्योंकि इसे 1971 में रामसर की ईरान रामसर एक साइट एक जगह है ईरान में, वहां पर साइन किया गया था ताकि वेटलैंड्स को कंजर्व किया जा सके। और करंटली इसके अंदर जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आता है उसमें सिर्फ दो वेटलैंड्स शामिल हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से दो वेटलैंड्स हैं,
और एक वेटलैंड है जो डाला गया था बट फिर लेटर ऑन हटा दिया गया, तो तीन थे पहले फिर एक हटा दिया गया, तो दो बचे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन से तीन थे और एक कौन सा हटा दिया गया। चलिए इसमें दिया भी हुआ है बट इसको मत पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए इसके साथ आपके आज के 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू और पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। और आपको अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।